फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नई रेसिपी लेके आई हूँ, गर्मा गर्म जलेबी। तो ये इस जलेबी को हम सूजी से बनाएंगे, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं कुरकुरी जलेबी बनाना। सूजी की जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, 1/4 कटोरी दही, 4 चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी चीनी, 1/2 नींबू, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। सबसे पहले हम सूजी की जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में सूजी डालेंगे, मैदा भी डाल देंगे, दही, ऑरेंज फूड कलर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। सूजी की जलेबी का बैटर हमें गाढ़ा ही बनाना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक बाउल में हम चीनी डाल देते हैं, ये 1.5 कटोरी चीनी है, इतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे और गैस ऑन कर देते हैं। इसे हम अच्छे से चला देंगे। चाशनी हमें एक तार की ही बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी या ज़्यादा पतली नहीं बनानी। थोड़ा सा ऑरेंज कलर पानी में भिगो के इसमें भी डाल देते हैं, जिससे चाशनी का हमारा कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए चाशनी हमारी अच्छे से उबलने लगी है, इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे हम एक तार बनने तक पकाएंगे। चाशनी हमारी बन गई है, हल्का सा तार भी बनने लगा है। देखिए थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं, जिससे हमारी चाशनी जमेगी नहीं। गैस ऑफ कर देंगे, चाशनी हमारी तैयार है। जलेबी फ्राई करने के लिए हमने लिया है देसी घी, आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो। जब तक हमारा घी गर्म होता है, हम अपने बैटर को बॉटल में डाल लेते हैं। 1/2 घंटा हो गया है, देखिए बैटर भी हमारा फॉर्मेट हो चुका है। जलेबी बनाने के लिए मैंने लिए सॉस की बोतल, आप चाहें तो दूध का पैकेट या कोई कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम बैटर को भर लेंगे। याद रखिए बैटर हमारा ऐसा गाढ़ा ही होना चाहिए। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा बैटर डाल के। देखिए बैटर सिक के ऊपर आने लगा है, इसका मतलब है घी हमारा अच्छे से परफेक्ट है जलेबी फ्राई करने के लिए। अब हम जलेबियाँ बनाएंगे। अब बॉटल को दबाते हुए हम जलेबियाँ बनाएंगे। तो हम इसमें निकाल लेते हैं और चाशनी में डाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर जलेबी बन के आई है हमारी। देखिए जलेबी हमने फ्राई कर ली है, बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ रहा है। इसे हम चाशनी में डाल देंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक चाशनी में डूबा रहने देते हैं, फिर इसे प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म जलेबी हमारी तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।